अतिवृष्टि के कारण नरवर तहसील क्षेत्र में आई बाढ़ से प्रभावित ग्रामों में रहने वाले ग्रामीणों ने अपने गांव छोड़कर इन दिनों तहसील मुख्यालय नरवर नगर के चारों ओर गल्ला मंडी पोहा तिराहा बालक दास मंदिर के पास शासकीय भूमि के साथ साथ न्यायालय में विचाराधीन विवादित भूमि पर गुंडागर्दी के साथ झोपड़ी बनाकर कब्जा किया। ग्राम पंचायत काली पहाड़ी के निवासी दर्जनों की संख्या में दिखाई देते हैं, इसके चलते आए दिन विवाद की स्थिति बन जाती है। अतिक्रमण की गई भूमि से भगाने पर सभी अतिक्रमणकारी नरवर तहसील पहुंचे। नरवर तहसीलदार मनीष शर्मा ने भी सभी पीड़ितों का आश्वासन देकर कहा कि मुआवजे की राशि जल्द ही प्रशासन सभी के खाते में पहुंचाएगा। अगर दूसरे स्थान पर बसाने की बात है तो प्रशासन जो गरीब पीड़ित व्यक्ति हैं उनके रहने का इंतजाम करवाएगा और अवैध तरीके से शासकीय या विवादित भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा ना करें। तो आपकी पोए वाली जमीन को लेकर क्या बता रहे थे आप समस्या? मेरी पोतरी के नाम 5 बीघा भूमि है पोहा तराहे पर, इसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय और व्यवहार न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया और इसका निषेध आज्ञा भी जारी की, जिसकी सूचना भी वहाँ लगी हुई है। मेरी पटियों की बागड़ है, वहाँ पर 19 जुलाई को एक पुलिस वाला घुमा भी अग्रो आया, वहाँ पर अवैध कब्जा उसने किया मौके पर। यहाँ प्रशासन को जब मैंने सूचना दी उनके द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई। ये अभी मुझे बताया गया है कि आसपास के क्षेत्र से काफ़ी लोग नरवर क्षेत्र में आकर और यहाँ पर अपने रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, उन्होंने अपने कुछ आशियाने बनाए हैं और अपना समय गुजार रहे हैं। इससे जो यहाँ के जो स्थानीय रहवासी हैं जो उनको लगता है कि उनकी ज़मीनें हैं या कुछ अपनी निजी ज़मीनों पर हैं तो उनको परिवेदना हो रही है। शासन का मूल उद्देश्य जो चुकी है इस समय प्राकृतिक आपदा का है। आपको पता है कि 2 अगस्त और 3 अगस्त को हमारे यहाँ पे जहाँ पे पहले 0 mm के लगभग पानी गिरता था, इन 2 दिनों में 339 mm पानी गिरा।